हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने लास्ट में वुड्स रिएक्शन देखा था और वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखा था। लास्ट में फिटिंग रिएक्शन को भी डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देखे। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, इसको वापस से याद कर लो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हम लोग न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ऐसा स्पीशीज है जो न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, फिलिक मतलब लविंग, ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज है जो जाकर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे इन हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के अंदर इन रिएक्शंस को हमको स्टडी करना है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वाई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वाई हेलो एरिन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हेलो एरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, बहुत कम रिएक्टिव क्यों है? तो इसका रीज़न जो है वो रेजोनेंस में छुपा हुआ है, रेजोनेंस में। तो देखो, अगर हम हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन के अंदर हेलोजन एटम को आप लोग दिखा रहे हो एक्स के साथ। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से है। इस हेलोजन के पास ऑब्वियसली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अब रेजोनेंस में आ जाती है। तो जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पर एक बॉन्ड तो था ही, दो इलेक्ट्रॉन ने आके एक और बना दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक्स और उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज एज इट इज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज वो यहाँ पर आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर इस कार्बन के ऊपर जाता है क्योंकि रिपल्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आके बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, 1, 2, 3, और हाइड्रोजन 4 तो है ही, नया बॉन्ड बनेगा तो 5 बनेगी, तो कमज़ोर पाई बॉन्ड तोड़ करके वापस उसको 4 करेगा। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है वो इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से, ये जो है नेगेटिव चार्ज वो इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो बनने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा लगेगा एक्स। ठीक है, वो वापस हम हमारे ये वाले स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए। तो आप अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो हियर देर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू कैन वेरी इजीली सी दैट हेलो एरिन्स के अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज गॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पॉइंट लिख दीजिए, इन हेलो एरिन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज़ गॉट
डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया तो क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा वो समझते हैं। देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स जो है ना उसको निकलना है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को टूटना है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड को बनना है, उसी को ही तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। इस एक्स को निकलना है और उसकी जगह पे नए न्यूक्लियोफाइल को आना है, लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में दो बॉन्ड बन जाएंगे तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। अगर इसको तोड़ना मुश्किल होगा तो नए न्यूक्लियोफाइल को बिठाना मुश्किल होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हेलो एरिन्स के अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज गॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट देन हेलो अल्केन्स विच गॉट कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और हेलोजन में सिंगल बॉन्ड होता है हेलो अल्केन के अंदर। हेलो अल्केन याद करो, ये आपका कोई भी हेलो अल्केन है उसके अंदर सबके सब देखो सिंगल बॉन्ड है, तो उसको तो तोड़ना बहुत ही आसान है। इस बॉन्ड को तोड़ दो बराबर और न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपका रेजोनेटिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेजोनेटिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं पहला चीज़ लिख देता हूँ कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलिए ठीक है, ये आपको पहली चीज़ समझ में आ गया। अब मैं स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरा रीज़न जो है समझाना है। एक रीज़न हमने समझ दिया था कि भाई पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। सपोज कीजिए कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बराबर। तो डबल बॉन्ड ऐसा होता नहीं है जनरली, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर। तो यहाँ पर ये कार्बन हेलो एरिन का है, ठीक है, ये हेलोजन का, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का हेलो एरिन का है और ये आपका हेलो अल्केन का है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही आएगा, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम sp3 के अंदर s कैरेक्टर देखें तो वो कितना होगा, 25%, और sp2 के अंदर s कैरेक्टर देखें तो वो हो जाएगा 33.3%। अब आप पूछेंगे कि s कैरेक्टर और p कैरेक्टर क्या होता है, sp3 के अंदर sp2 के अंदर अलग अलग क्यों है। तो समझो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल है, एक s और 3p, तो 4 ऑर्बिटल मिलके 100 हो रही है ना, तो अकेले s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 25, आधे का आधा। एक एस और दो पी मिलकर के 100 बना रही है, तो अकेले एस का कितना हुआ, यहाँ पर अकेले एस का हो गया 33.3%। तो इसका साफ मतलब ये है कि sp2 के अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा है। एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से नज़दीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक होती है, उसके बाद पी होती है, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन है इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से नज़दीक होता है ना। तो कहने का मतलब ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना
जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो दूसरा रीज़न आएगा वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा जो रीज़न आएगा वो है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। तीसरा जो रीज़न है दैट इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट या शॉर्टर इन हेलो एरिन्स। अगर हम लोग कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करें, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू दिस बॉन्ड। छोटा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। छोटा बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मजबूत होता है, तो इस बॉन्ड को आप इजीली तोड़ नहीं सकते, इस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकती हो। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर हेलोएरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही लीस्ट देते हैं या बहुत ही लेस देते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देखते हैं कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या ऐसा कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जिसकी मदद से हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को इजीली करा दें। तो देखो पहला आता है रिएक्शंस विद आल्कली, रिएक्शंस विद आल्कली, तो हम लोग मतलब कि NaOH सॉल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पर हेलोएरिन्स का रिएक्शन जो है वो NaOH एक्वेस NaOH सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक्वेस NaOH, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं एक्वेस NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेने के बाद आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन और ये सोडियम NaCl बना देंगे। इंटरमीडिएट बनेगा लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको समझा दे रहा हूँ रिएक्शन। OH प्लस NaCl। तो आप लोग अभी मुझे पूछोगे सर अभी आपने बोला कि हेलोएरिन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, बहुत कम होती है, बराबर। ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ना, OH माइनस है, OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वो क्या कर रहा है क्लोरीन को हटा रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है। बच्चों यहाँ पर डेल प्लस होगा वो तो समझ में आएगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर OH माइनस आके अटैक कर तो रहा है। आपने अभी हमको समझाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लीस्ट पॉसिबल है और अभी आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है, एक कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और एकदम हाई टेम्परेचर और एकदम हाई प्रेशर के ऊपर ही ये पॉसिबल होती है। अच्छा अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन तो है ही, हमने इसके साथ लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। अब बच्चों आपको पता है कि नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहाँ पर वापस वही रिएक्शन होगी, क्लोरीन को OH आके रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन को OH आके रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर NO2 ग्रुप है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका NaCl आउट होगा, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है ये है
कि यहाँ पर टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कम हो गया 415 केल्विन, और प्रेशर की यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब याद रखो बच्चों, यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो Cl की जगह पे रिप्लेस हुआ है, OH ग्रुप जो है वो Cl की जगह पे रिप्लेस हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक NO2 ग्रुप की जगह पे दो NO2 ग्रुप लगा दें, एक NO2 ग्रुप की जगह पे ऑर्थो और पैरा पे दो NO2 ग्रुप लगा दे रहे हैं, क्लोरीन आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस NaOH के साथ करवा दें तो प्रोडक्ट तो आपका वही का वही होगा, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट OH के साथ हो जाएगा। NaCl आपका साइड प्रोडक्ट होगा। बट आपको जो गौर करने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर खाली चाहिए होगा 323 केल्विन, 323 केल्विन। ठीक है, अच्छा, फोर्थ रिएक्शन छोटे से बोर्ड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे समझाना है। अगर मैं एक एरो और NO2 ग्रुप लगा दूँ यहाँ पर, एक और NO2, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे कंटिन्यूएशन में समझाना है। मैं यहाँ पर एक और NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन इसका रिएक्शन आप NaOH एक्वेस के साथ करवा रहे हो, इसका रिएक्शन एक्वेस NaOH के साथ करा रहे हो, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको वार्म कर दो, खाली वार्म करने की ज़रूरत है, आपका क्लोरीन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मुझे समझानी है, वो समझाऊँ उसके पहले आप लोग देख लो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है वो लेस एंड लेस विगरस हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लेस एंड लेस विगरस कंडीशंस जो है वो हो रही है। मतलब हेलो एरिन के अंदर जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे, हेलो एरिन के अंदर जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होंगी, समझना। तो क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो फिनॉल बन गया, NaCl मिला, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 623 केल्विन, प्रेशर 300, एक NO2 ग्रुप लगाया प्रेशर आउट, टेम्परेचर 415, दो NO2 ग्रुप लगाए तो टेम्परेचर 303, और अगर तीन NO2 ग्रुप लगा दिए तो खाली वार्म कर दो, खाली गर्म कर दो और ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल फटाक करके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल फटाक करके अटैक कर सकता है। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब जितना आप नाइट्रो ग्रुप या जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाओगे उतनी ये रिएक्शन जो है वो स्मूदली होती जाएगी। तो आपको यहाँ से आप 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन हेलोएरिन्स मेक्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोर एंड मोर इजी इन हेलोएरिन्स। क्लियर है? मैंने आपको बहुत ही क्लियर एंड कट समझा दिया है, रिएक्शंस के बेसिस पे स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम लोग देखते हैं कि हेलोएरिन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या हाल है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक तो बहुत मुश्किल है, इतना समझ में आ गया। हाँ, EWG लगाओ तो ईजी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो ये रिएक्शन ईजी हो सकती है, इतना हमको समझ में आया। लेकिन जब तक EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है तब तक ये रिएक्शंस
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उतना हमको क्लियर एंड कट वे में समझ में आ गया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो आपको पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ दिया है। इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो या तो पैरा पोजिशन के ऊपर बैठने देते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होने की वजह से ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हमको समझना है कि हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नंबर वन। नंबर टू, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ, ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। कहने का मतलब कि हेलोएरिन्स जो हैं दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ईजी कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस यहाँ पर किस तरीके से पॉसिबल होती है। तो देखिए, वापस मैंने जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाए थे वही के वही आने वाले हैं इधर। सबसे पहले मैं कुछ चार पांच बेंजीन के रिंग्स ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको कंटिन्यूएशन में सब समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास हेलोजन एटम था। हेलोजन एटम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को इधर दिए तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एज इट इज़, बाकी का पार्ट एक्स प्लस, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर स्टेबलाइज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर लाइक दिस, यहाँ पर एक्स प्लस, ये नेगेटिव चार्ज इधर तो ये नेगेटिव चार्ज इधर, माइनस, ठीक है। और अगर आप इसको अब रिपीट करोगे तो वो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है कहने का मतलब कौन सी रिएक्शन इजीली हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझो, जो सब्सटेंस आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, वो जो सब्सटेंस आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत ईजीली हो ही जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, आपको यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन why हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ध्यान से देखो, योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर क्लियरली शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशंस। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो कौन सी पोजिशंस के ऊपर अवेलेबल है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर। इसीलिए जो हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं या जो दूसरी जो भी इन पर्टिकुलर रिएक्शंस है वो कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलोजन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, उस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो वी कैन एक्सप्लेन दैट फैक्ट विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोएरिन्स। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोएरिन्स आर शोइंग टू थिंग्स, फर्स्ट देर इज लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ईजी इन हेलोएरिन्स। नंबर टू, द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज अवेलेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस सो द रिएजेंट व्हाट्सोएवर इज अटैकिंग विल ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देखो, एक बात समझने का ट्राई करो, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना उसको आंखें नहीं है कि उसको दिखेगा कि मुझे इधर जाके बैठना है, वो तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज वहाँ पर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा।
मेटा पे बैठने का उसका कोई चांस नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जनरल मैकेनिज्म बता दी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पर्टिकुलर में कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोएरिंस की आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है वो समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।